पता है घूमने वाले दो तरह के होते हैं, एक जिनको नेचर के साथ एडवेंचर पसंद होता है और दूसरे जिनको थोड़ी सी आस्था चाहिए होती है। मैं हूँ आज धर्मनगरी हरिद्वार में, ऑब्वियसली मैं यहीं रहता हूँ, तो सोचा क्यों ना हरिद्वार के बारे में एक वीडियो बनाई जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं हरिद्वार के बारे में कम्प्लीटली, कैसे पहुँचे हैं, कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कितने का खर्चा होगा, कितना टाइम लगेगा, कहाँ कहाँ पर घूमेंगे, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रबोध शर्मा और आप देख रहे हैं द ट्रैवल मशीन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे पहुँचें यहाँ पर। पहुँचने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, मतलब जो भी अवेलेबल होते हैं ऑलमोस्ट आपको सब तरीके से यहाँ पर पहुँचने की सुविधा मिलती है, जैसे कि बस हो गई, ट्रेन हो गई, फ्लाइट हो गई, और आप अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं, टैक्सी करके भी ला सकते हैं, तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा इजीली। पहले बात करते हैं बस से, तो दिल्ली से आपको इजीली यहाँ के लिए बस मिल जाती है, हर आधे घंटे में एक घंटे में बस आपको यहाँ के लिए मिल जाएगी। करीब 100 रुपीज़ फेयर होता है नॉर्मल बस का, जो ऑर्डिनरी बस आती है। इसके अलावा फिर आप स्लीपर में जाएंगे, वॉल्वो में जाएंगे, तो उसका थोड़ा सा स्लाइटली हायर होता है। नेक्स्ट बात करूँ मैं ट्रेन से, तो ट्रेन भी यहाँ पर बहुत सारी अवेलेबल है। करीब दिन में दिल्ली से ही अगर मैं बात करूँ तो 4 से 5 ट्रेन आती हैं, तो आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। उसका भी फेयर आपका सेकंड सीटिंग जो होती है उसका करीब 200 रुपीज़ है, तो वो भी आप इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। और ट्रेन से बस से दोनों से ही करीब 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है पहुँचने में, तो इजीली आप आ सकते हैं। थर्ड है आपका फ्लाइट, तो आप जिस भी सिटी से, अगर आपकी सिटी कोई बड़ी सिटी है, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु, कलकत्ता, तो वहाँ से आपको जॉली ग्रांट के लिए बस फ्लाइट मिल जाएगी। जॉली ग्रांट आपका एक्चुअली हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश के बीच की सेंटर की प्लेस है, तो वहाँ पर एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, तो वहाँ से 20 किलोमीटर से आप टैक्सी के थ्रू हरिद्वार आ सकते हैं, तो आपको वो भी एक कन्वीनियंट रहेगा, तो फ्लाइट से भी आ सकते हैं। लास्ट आप अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप अपने ही व्हीकल से आइए जब भी मैं पहाड़ों पर कोई वीडियो शूट कर रहा होता हूँ, बट यहाँ मैं बोलूँगा कि अगर आप अपने व्हीकल से नहीं भी आएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लंबे डिस्टेंस पर नहीं जाना है। दूसरा, लोकल ट्रांसपोर्ट ईजीली अवेलेबल है, तो आपको अपना व्हीकल से नहीं आना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें कि आप नहीं आएंगे तो कुछ दिक्कत आने वाली है। खैर, आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पार्किंग्स अवेलेबल है, बट हाँ, आपको जो लोकल एरिया है हरिद्वार का, जो मार्केट है, वहाँ पर आप व्हीकल लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर अलाउड नहीं है फोर व्हीलर्स, सिर्फ लोकल जो यहाँ का थ्री व्हीलर्स चलते हैं या फिर ऑटो रिक्शा जो बैटरी वाले होते हैं उनसे ही आप जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं उसी के थ्रू। खैर, बात करते हैं अभी रुकने की, तो हरिद्वार हब है टूरिस्ट का, तो भाई यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल है, धर्मशाला से लेके 7-स्टार होटल तक रेडिसन है यहाँ पर, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो 100 रुपये से लेके आपको यहाँ 100 रुपये में, इवन फ्री में भी आप चाहें रुकना तो शांति कुंज में आप रुक सकते हैं। कई धर्मशालाएँ हैं जहाँ पर आप आश्रम है, जहाँ पर आप थोड़ा सा रूल्स फॉलो करके आश्रम के और फ्री में रुक सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप अगर आप तब भी मैं अगर बात करूँ एक नॉर्मल टूरिस्ट के हिसाब से, तो आप 1000 से 1500 रुपये में आपको एक डिसेंट सा होटल मिल जाएगा जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ रुक सकते हैं। बाकी आप पर डिपेंड करता है, धर्मशालाएँ भी अवेलेबल हैं जो 200-300 रुपये में आपको अच्छे रूम्स दे देती हैं। खैर, नेक्स्ट बात करते हैं अभी फूडिंग की, तो खाने के भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सब तरह का खाना आपको मिल जाएगा, चाइनीज़, साउथ इंडियन, पंजाबी, जैसा आपको ठीक लगता है। भर भर के मार्केट्स हैं आपको हर की पौड़ी के आसपास, हर की पौड़ी से लेकर रेलवे स्टेशन तक पूरा रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट मिलेंगे, तो कोई किसी भी तरह का आपको इशू नहीं आने वाला है कि हम ये खाएंगे वो नहीं खाएंगे। हाँ, कॉस्टिंग अगर मैं देखूँ तो थोड़ी सी 10-15% हर टूरिस्ट प्लेस पर रहती है, जो कि थोड़ी सी स्लाइटली हायर है, तो चलता है इतना। इसके बाद जो मेन चीज़ है उस पर बात करते हैं, कहाँ कहाँ पर घूमना है। तो हर कोई आता है, यूजुअली हर की पौड़ी आता है, गंगा नहाता है और चला जाता है, मैक्सिमम आपका चंडी देवी या मनसा देवी चला जाता है, तो लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जगह हरिद्वार में घूमने के लिए, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली हर की पौड़ी, जहाँ पर आप आ रहे हैं, तो जो ब्रह्मकुंड है हर की पौड़ी पर, आप वहाँ पर स्नान कीजिए,
वहाँ पर गंगा आरती भी होती है शाम को। गंगा आरती का आपको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, गंगा आरती का वीडियो आपको मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ आपको बता दूं जो हमेशा लोग मिस करते हैं, लोग सोचते हैं कि 7 बजे गंगा आरती होती है, बट ऐसा नहीं है। ये सीज़न के हिसाब से चेंज होती है, और जैसे ही सूरज डूबता है, जैसे कि अभी टाइम हो गया है, गंगा आरती स्टार्ट हो गई होगी और टाइम हो रहा है 6, तो 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। अभी यही गर्मियों के दिनों में थोड़ी लेट होती है, 6:30-7 बजे के आसपास होती है, क्योंकि तब लेट सूरज डूबता है। और सर्दियों में और ये जल्दी हो जाएगी, 5:30-5 बजे ही हो जाती है कई बार, क्योंकि जल्दी सूरज डूबता है। तो उसके हिसाब से शाम होने से स्टार्ट हो जाती है सूरज डूबने के साथ ही गंगा आरती। और क्या क्या आपको प्रिकॉशंस रखनी चाहिए तो वो गंगा आरती वाली आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ब्रह्मकुंड हो गया हर की पौड़ी सबसे ज़रूरी जो है, उसके बाद ऑब्वियसली सेकेंडरी मनसा देवी है। तो मनसा देवी का मंदिर है माता जी का, हरिद्वार से हर की पौड़ी से ही आपको स्टेयर्स मिल जाती हैं जाने के लिए, आप हर की पौड़ी जा सकते हैं, वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्योंकि मैं हर जगह जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, जैसे कि ऋषिकेश वाली हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि यहीं बैठ के आपको सारे स्पॉट्स के बारे में, सारे टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बता दूंगा, और उनके छोटे छोटे वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स आपको लगा दूंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया भी हो जाए कि कहाँ जाना है और कैसी लोकेशन है। तो मनसा देवी जाने के लिए हर की पौड़ी से ही स्टेयर्स जाती हैं, सीढ़ियों से आप जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ट्रैक करके 1 किलोमीटर के होगा आसपास, आप उतना जा सकते हैं। नॉर्मली काफ़ी लोग जाते हैं, श्रद्धा से पहुँच जाते हैं, कोई ऐसा बहुत हार्ड ट्रैक नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है कि आप जो उड़न खटोला चलता है, केबल कार, उड़न खटोला ही बोलते हैं यहाँ पर उसे, तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। उसका चार्जेस करीब 120 रुपीज़ है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट हाँ एक साइड का 120 है, दोनों साइड का आपका 200 के अप्रॉक्स है। सेम आपका चंडी देवी पर भी है, तो आप 200 रुपीज़ आपका एक पर पर्सन आपका लगता है उड़न खटोला का, जिसमें आप बैठ के जा सकते हैं और आ भी सकते हैं। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है या जो चल नहीं सकता ठीक से, या जिसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है सांस वांस की, तो आप प्रेफर करें कि आप उड़न खटोले से जाएं। तीसरा तरीका यह है कि आधे रास्ते तक आपके व्हीकल्स भी जाते हैं, वो भी एक दूसरा रास्ता है, तो आप वहाँ तक व्हीकल से जा सकते हैं, उसके बाद आप पैदल जाएं। तो मेरे ख्याल से आप सीढ़ियों से जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप केबल कार से जाइए, दोनों ही मोड आपको बेस्ट रहेंगे, वो हाफ वाला तो उतना ठीक नहीं लगा मुझे। थर्ड आपका चंडी देवी, जैसे मनसा देवी मंदिर है वैसे ही एक होली प्लेस है चंडी देवी, इसी के नाम पर ये घाट है जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, ये चंडी घाट है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चंडी देवी में भी आपको दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप केबल कार से भी जा सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं, वो 1 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, दोनों ही मोड्स आपके पास अवेलेबल हैं। उसके चंडी देवी के जस्ट ऊपर अंजनी माता का मंदिर भी है, तो आप वहाँ भी जाएँ, एकदम पास पास में ही है, तो वहाँ भी आपको जाना चाहिए। इसके बाद जो एक और फेमस मंदिर है वो है दक्ष मंदिर। आपको पता हो शायद ना पता हो, जो माता सती थी उनके पिताजी का होम टाउन है ये कनखल, हरिद्वार से मुश्किल से 3 किलोमीटर है कनखल, हरिद्वार में ही लगा है बट अलग बोलते हैं, सब डिवीज़न है हरिद्वार का, कनखल वहाँ पर है दक्ष मंदिर, और मेरे ख्याल से इंडिया का इकलौता मंदिर है दक्ष मंदिर, मे बी आई एम रॉन्ग, बट जहाँ तक मुझे याद है वो अकेला मंदिर है दक्ष मंदिर, जहाँ पर दक्ष जी ने यज्ञ किया था जिसमें शंकर जी को नहीं बुलाया था, तो वो सब इतिहास है उस मंदिर का, तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं, एक अच्छा बहुत ही प्यारा प्लेस है। वहाँ भी आप टाइम का ध्यान रखें, 5 बजे मंदिर बंद हो जाता है साफ़ सफाई के लिए, फिर लेट ओपन होता है, तो आप सुबह के टाइम ही या दोपहर तक जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट प्लेस जो कि फिफ्थ प्लेस, मेरा पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है भारत माता का मंदिर। करीब 7 से 8 मंजिल का मंदिर है, और हर प्लेस पर आपको अलग अलग मंदिर बने हुए हैं, और उसमें अलग अलग मूर्तियाँ हैं अलग अलग चीज़ों को लेके, सारी भगवान की मूर्ति नहीं है, कुछ हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी हैं, कुछ और भी महापुरुष हैं उनकी मूर्तियाँ हैं अलग अलग धर्मों को लेके, हमारे जो स्टेट्स हैं इंडिया के 28 स्टेट्स थे जो, तो उनकी भी अलग अलग वहाँ पर कुछ पेंटिंग्स लगाई गई हैं, तो आपको बड़ा प्यारा मंदिर लगेगा। 2 रुपये में मात्र लिफ्ट में आप ऊपर जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको चढ़ना पड़ेगा, हाँ उतरना आपको खुद से ही पड़ता है, देखते हुए आप नीचे आ सकते हैं। तो बड़ा सुंदर मंदिर है भारत माता का, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, हमेशा जाना वहाँ पर, कई बार गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ भी जाएं। और उसके आसपास भारत माता मंदिर के आसपास आपको कई सारे मंदिर मिल जाएंगे, जिसमें से एक मेरा फेवरेट है वैष्णो देवी का, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, वहाँ भी आपको ऐसे ही कुछ अलग अलग मंदिर मिलेंगे, उस वैष्णो देवी पूरा जैसे गुफा का शेप है उस हिसाब से उन्होंने बनाया हुआ उसका प्लानोग्राम, अच्छा लगता है। लेकिन तो आप उस मंदिर भी जाएँ, और भी उस एरिया में काफ़ी सारे ऐसी तरह के मंदिर हैं, कलश मंदिर है, वैष्णो मंदिर है, और भी 1-2 मंदिर हैं, आप वहाँ भी आप जा सकते हैं, बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे इवन, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। इसके बाद बात करूँगा उसी एरिए में शांति कुंज है, तो आप शांति कुंज आश्रम भी जा सकते हैं, शांति कुंज कोई मंदिर नहीं है, उस आश्रम के अंदर मंदिर हैं हालांकि,
और उसके आसपास भी कई सारे मंदिर हैं, जैन मंदिर है, गुरुद्वारा भी है वहाँ पर एक, बड़े ही सुंदर हैं। आप देखेंगे तो देखने में आपको सुंदर लगेगा, आस्था तो एक डिफरेंट पार्ट है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं शांति कुंज के आसपास भी। फिर जो मेरा पर्सनल फेवरेट घाट है, हालांकि हर कोई जाता है, जो हर की पौड़ी है ब्रह्मकुंड जो घाट है वहाँ पर आप जाते हैं, लेकिन जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है ये, इसीलिए मैंने इस जगह को चूज़ किया, मुझे बहुत सुंदर लगता है। अभी आप देखिए कितना शाम का टाइम हो रहा है, कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का, सनसेट यहाँ का इतना औसम होता है ना पूछिए मत, बहुत सुंदर लगता है। मैं थोड़ा सा शूट करूँगा, हालांकि बहुत ज़्यादा करूँगा तो फिर इस वीडियो के लिए मुझे अंधेरा हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपको सनसेट डाल दूंगा मैं, बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन पूरा गंगा माँ का व्यू आता है और शांति है यहाँ पर सबसे अच्छी बात, तो बड़ा सुंदर घाट लगता है। हमेशा मैं यहाँ पर आके टाइम स्पेंड करना, अगर आप फैमिली के साथ आएँ, किसी के साथ आएँ, आप बहुत अच्छे से आप शांति में यहाँ पर बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो फेमस मंदिर है यहाँ का, वो है सुरेश्वरी देवी। यूजुअली लोग जाते नहीं हैं वहाँ पर, बट मेरा एक डेडिकेटेड ब्लॉग है सुरेश्वरी मंदिर के लिए, आप देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वो भी बड़ा सुंदर मंदिर है, गर्मियों को छोड़ के मेरे ख्याल से आप कभी भी जा सकते हैं वहाँ पर, हालांकि गर्मियों में भी अच्छा लगता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि बारिश के टाइम पे लगता है, मानसून में मंदिर बहुत सुंदर हो जाता है। इसके बाद लोकल मार्केट की बात करूँ तो हर की पौड़ी के आसपास का ही जो अपर रोड है, उसको अपर रोड बोलते हैं, जो मार्केट है लोकल, तो वहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, सब कुछ वहीं है एक्चुअली। हरिद्वार मीन्स हर की पौड़ी, आपको 2 किलोमीटर के रेडियस में सारा मार्केट, रेस्टोरेंट्स, होटल, सब कुछ वहीं मिलेगा, तो शॉपिंग वॉपिंग आप वहाँ से कर सकते हैं। हाँ, खाने की अगर बात करूँ तो यहाँ के 2 फेमस फूड हैं, थोड़ा सा ऐड कर दे रहा हूँ इसमें मैं। एक है मूंग की दाल, जो कि 2 जगह चलती है, आपको डेडिकेटेड ब्लॉग मिल जाएंगे यूट्यूब पर, कई सारे जो फूड वाले ब्लॉग होते हैं, तो एक है मूंग की दाल जो कि दक्ष मंदिर के पास लगाता है, मॉर्निंग में बैठते हैं वो अंकल जी, सुबह 10 के आसपास उठ जाते हैं, 10-11 बजे तक बैठते हैं, तो आप दक्ष मंदिर के पास में वो मूंग की दाल खा सकते हैं, बड़ी टेस्टी होती है, मैंने खाई है। इसके अलावा एक ज्वालापुर में भी लगाते हैं, ज्वालापुर चौराहे के आसपास, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं, वो आप यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे ब्लॉग्स उसके लिए। इसके अलावा एक मोहन पूड़ी है जो कि हर की पौड़ी पर ही है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप एडवेंचर करना चाहते हैं तो 2 प्लेसेस है यहाँ पर, हालांकि एडवेंचर का एक ही है, दूसरा आप साइट सीइंग बोल सकते हैं उसे, राजाजी नेशनल पार्क, यहाँ पर जंगल सफारी होती है, राइड होती है एक्चुअली राजाजी नेशनल पार्क की, वहाँ पर आपको टाइगर्स, हाथी, कुछ जानवर जंगल के जो होते हैं, किस्मत है आपकी क्या क्या मिल सकता है, तो वो मिल सकते हैं, और उसकी अच्छी राइड होती है वो भी, मैं मानसून में बंद हो जाती है हालांकि, लेकिन नॉर्मल टाइम पर आपको मिल जाएगी, सर्दियों में आप करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं, जानवर ज़्यादा दिखते हैं वहाँ पर सर्दियों में। इसके अलावा आप जा सकते हैं चीला डैम, मेरा उसका भी वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, तो आप चीला डैम भी जा सकते हैं, बड़ी सुंदर जगह है। चीला डैम का जो रोड है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है डैम पर, हालांकि उतना अच्छा लगेगा अच्छा, ऑब्वियसली ऐसा ही डैम है जैसे हर कोई होता है, लेकिन जो उसका रोड है नहर के साइड में जो चलता हुआ रोड है ना, बड़ा सुंदर रोड है, आप वो ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा उस ब्लॉग को देख के। तो मेरे ख्याल से यही थे हरिद्वार के टूरिस्ट प्लेसेस, और छोटी मोटी जगह हैं, मैं ऐड नहीं करना चाहता, बड़ा लेंदी हो जाएगा वीडियो, बट अगर आप आना चाहें तो कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, बट इतना ही आप करेंगे तो आपको करीब 2 दिन चाहिए होंगे, 1 दिन में आप नॉर्मल घूम सकते हैं, बट आपको पूरे घूमने हैं प्लेसेस तो आपको 2 दिन एटलीस्ट चाहिए होंगे हरिद्वार में। इसके बाद थोड़ा सा आप दूर जाएं ऋषिकेश, ऑब्वियसली पास ही है, अगर आप हरिद्वार तक आएँ तो ऋषिकेश जाना बनता है, अगर आप टाइम लेकर आएँ तो। ऋषिकेश का मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको ऋषिकेश के सारे टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताया हुआ है, मैं यहाँ बताऊँगा उनके बारे में तो बड़ा ही लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप उस वीडियो को देख लीजिए अगर आपको जाना है ऋषिकेश तो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सारे ये जो 4-5 वीडियोज़ हैं आपके लिंक आपको नीचे मिल जाएगा उसके, और आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो मेरे ख्याल से आप उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए होंगे जो आपकी क्वेरी होगी। इसके अलावा कुछ और भी आपके क्वेश्चन बचते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, व्यूअर्स के लिए ही, वहाँ मैं रिप्लाई कर दूंगा आपका, अगर कुछ आपके कोई क्वेरी, क्वेश्चन या कुछ भी है, आपका सजेशन कुछ है, वीडियो के बारे में आपको कुछ लिखना है, आगे आपको क्या जानना है, किस बारे में वीडियो बनाऊँ, कुछ भी आप सजेशन देना चाहें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो उम्मीद है आपको अच्छा ही लगा होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, जय हिंद।